गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो दूरबीन से देख रहा था, तब उसने देखा कि एक चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रहा है। कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जल परी आती है। चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। उसी वक्त शिकारी चील की नज़र जल परी पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो जल परी है, और मैंने सुना है ये जल परी जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखते हैं। मैं जल्दी से पनडुब्बी लेके इसका पीछा करता हूँ। फिर शिकारी चील ने अपने साथी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जल परी का पीछा करने चला जाता है। और जल परी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जल परी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील ने दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर लौट आता है। फिर जल परी को जाल में बंदी बनाकर घर ले आते हैं। तभी टूनी जल परी को ले जाते उन लोगों को देख लेती है। अरे ये क्या, मेरी दोस्त जल परी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जल परी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काट कर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद मछुआरे के जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए, मुझे बाकी चिड़ियों से मदद लेना होगा। फिर टूनी जंगल की तरफ चली जाती है और चिड़ियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी कीकू कबूतरी कहती है, तुम चिंता मत करो टूनी, जल परी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्त की जान बचाई, इसलिए उनको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कीको, हम टूनी के साथ हैं, लेकिन जल परी है कहाँ, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तभी कालू कौआ कहता है, तो फिर साथियों देर मत करो, चलो सब। हाँ हाँ चलो चलो, हम सब चारों ओर अच्छी तरह से देखते हैं। फिर सब चिड़िया मिलकर जल परी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जल परी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस आ जाते हैं। तभी कालू कौआ कहता है, टूनी हमें तो जल परी कहीं नहीं दिखी। हाँ हाँ हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। उल्लू जी आप ही कुछ करिए ना। मुझे लगता है कि केवल नन्ही परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है, चलो हम सब नन्ही परी के पास चलते हैं। इसके बाद सब मिलके नन्ही परी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर टूनी कहती है, नन्ही परी नन्ही परी, ओ नन्ही परी तुम कहाँ हो? क्या बात है टूनी, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? हमारी दोस्त जल परी को दो शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जल परी को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ। इसके बाद सब नन्ही परी के साथ जाते हैं और नन्ही परी एक साथ जलाशय के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है कि जल परी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़ा सा कांच के जार में बंदी बनाकर रखे हैं। और वो दोनों जल परी को पकड़ने गए थे तो वहाँ से बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न लेकर आए थे। अभी वो दोनों जल परी से कह रहे हैं कि सुनो जल परी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है, हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो। तुम गलती कर रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं होती, बस मुझे जितना मिला था वो सब तो तुम लेकर आ गए हो, अब छोड़ दो मुझे।
अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेचकर हम माला माल हो जाएंगे, समझी? उन्होंने जल परी को बेचने की धमकी दे रहे हैं और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में जल परी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। फिर तो कल ही हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर उल्लू बोलता है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर तुम सब राजी होते हो तो ही हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी टूनी बोली, हाँ हाँ हम सब आपके साथ हैं, बोलिए क्या करना होगा। हाँ हाँ उल्लू जी, हम सब आपके साथ हैं, बोलिए क्या करना होगा। फिर उल्लू ने सभी को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी चिड़िया मिलकर बाजार के पास एक बड़ा सा पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चिल्ले जलपरी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले टूनी जलपरी के पास जाती है और जलपरी तुम कैसे हो? तुम कैसी हो टूनी? मैं ठीक हूँ। सुनो जलपरी, हम सब चिड़िया मिलके तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी एक छड़ी लेकर आएंगे, तुम्हें सिर्फ उस लकड़ी के छड़ी को कस के पकड़नी होगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ठीक है टूनी। यह कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। फिर उल्लू के कहने पर प्लान के अनुसार मयूरी जाकर दोनों चीलों के सामने पंख फैला के नाचने लगती है। तभी अरे ये मोर कहाँ से आ गई, कितनी सुंदर है ना। फिर प्लान के अनुसार टिटू तोता और कीकू कबूतरी जाके उस पेड़ के डाल पर बैठ जाती हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तुमने देखा टिटू, मोर का पंख कितना सुंदर है और कितनी सुंदर नाच रही है। हाँ कीको, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर गया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती है, मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या, मैंने तो नहीं सुना था। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों, मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई, अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जलपरी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। हाँ हाँ चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चिल्ले उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार उल्लू कालू और गोरी को लकड़ी की छड़ी लेकर जाने को बोलते हैं। दोनों लकड़ी की छड़ी लेकर जलपरी के जार के ऊपर चले जाते हैं और जलपरी भी उस छड़ी को कसकर पकड़ लेती है। फिर कालू और गोरी जलपरी को लेकर उड़ जाते हैं। तभी प्लान के अनुसार मुर्गा आवाज निकालता है, भाग जा मोर, भाग जा, हम भी जा रहे हैं। फिर सभी चिड़िया एक साथ भाग जाते हैं। इधर मीनू और लाडो चिड़िया दोनों मिलकर चुराए हुए खजाने को भी लेकर आ जाते हैं और समुन्दर के किनारे पहुंचकर जलपरी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जलपरी कहती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने मेरी जान बचाई, मैं आप सभी का सदा आभारी रहूंगी। हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ दोस्तों, अलविदा दोस्तों। रोज की तरह सुबह सुबह कालू कौवा अपने आलू के खेत में आलू की फसल देखने जाता है। अरे वाह, इस बार तो आलू की फसल बहुत बढ़िया हुई है, अब जल्दी जल्दी इन्हें बोरी में भरता हूँ, फिर बाजार भी तो जाना है। अरे ओ कालू कौवा, कालू कौवा, इस बार तुम्हारा फसल कैसा हुआ है? बहुत अच्छा, इस बार आलू बहुत ही बढ़िया हुआ है।
इस बार मेरे खेत में भी बहुत अच्छे आलू हुए हैं। पास वाले गांव से आलू भी नहीं आ रहे हैं। इस बार आलू की कीमत बहुत अच्छी मिलने वाली है बाजार में। इस बार हमारे आलू अच्छे दामों में बिकेंगे। हाँ टूना, हाँ मैंने सोचा था सारा फायदा मेरे को ही होगा, पर ये क्या, टूना की फसल भी अच्छी हुई है, मतलब मेरे को ज्यादा फायदा नहीं होगा। कालू कौवा अपने आलू की बोरी लेकर घर पहुंच जाता है। गोरी कौवी, जरा एक गिलास पानी तो लाना जल्दी से, आलू को लेकर बाजार भी जाना है। फिर गोरी कौवी पानी लेकर आती है। ये देखो कितने अच्छे आलू हुए हैं हमारे खेत में। अरे हाँ, कितने अच्छे अच्छे आलू हुए हैं इस बार, बाजार में तो इसके अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ वो तो है, इस बार टूना के खेत में भी ऐसे ही आलू हुए हैं। तो क्या हुआ, अब बाजार जाइए और आलू बेच कर आइए। हाँ हाँ जाता हूँ। कालू कौवा आलू की बोरी लेकर बाजार पहुँच जाता है। अरे कालू कौवा, आ गए तुम? हाँ हाँ, आलू को बेचना भी तो होगा ना, इतनी मेहनत से उगाए हैं तो। हाँ हाँ, आलू को तो बेचना ही होगा, आलू को तो बेचने के लिए उगाए हैं ना। आलू कैसे लगाए हो कालू जी? 30 रुपया किलो। अरे इतना महंगा, आलू की कमी हो गई है इस बार तो, दाम तो बढ़ाना ही है। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दीजिए। कालू कौवा चिड़िया को आलू देता है और पैसे लेता है। इसी तरह टूना और कालू कौवा के पास ग्राहक आकर अनेक आलू लेते हैं और धीरे धीरे उनके सभी आलू बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ कालू कौवा, आज तो सारे आलू बिक गए, कल फिर आलू लेकर आऊंगा, तुम भी आओगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगा, आना तो पड़ेगा ही, रोजी रोटी का जो सवाल है, जरूर आऊंगा। फिर दोनों घर को निकल जाते हैं। गोरी कहाँ है, खाना बना ली क्या, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बन गया है, जरा देखो तो आज कितने पैसे मिले हैं। अरे वाह इतने पैसे, इसी तरह आप रोज आलू बेचने जाना। हाँ हाँ जाऊंगा ना, मुझे एक उपाय सुझाव है, पास के जंगल से भी आलू नहीं आ रहे हैं अभी, पर ये टूना भी आलू ही बेचता है, यदि हम दोनों टूना और मेरे खेत के सभी आलू निकाल कर अपने पास जमा कर लेंगे तो इस जंगल में सिर्फ मेरे पास ही आलू रहेगा, और उसके बाद जब बाजार में आलू की कीमत बढ़ेगी तब मैं जितनी मर्जी उतने दामों में आलू बेच सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप, उपाय तो अच्छा है, पर इसके लिए हमें चोरी करना पड़ेगा। अरे धीरे बोल धीरे, चोरी नहीं ये व्यापार है, व्यापार। हाँ हाँ व्यापार, पर कब करेंगे? जो भी करना है हमें आज रात को ही करना पड़ेगा, नहीं तो टूना फिर से आलू निकाल कर बाजार चला जाएगा, साथ ही साथ अपने खेत के भी आलू निकाल कर ले आएंगे, जिससे उसका शक भी नहीं होगा। ठीक है फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। फिर रात होते ही दोनों खेत के लिए निकल जाते हैं और टूना के खेत के पास पहुंच जाते हैं। वो रहा टूना का खेत, चलो चुपचाप आलू निकाल कर बोरी में भरने पड़ेंगे, उसके बाद तो हमारे जमीन के भी आलू निकालने पड़ेंगे ना। फिर दोनों आलू निकालने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे खेत के आलू निकाल कर बोरी में इकट्ठा करके जमा कर लेते हैं। आखिरकार हमने सारे आलू निकाल लिए। हाँ थक गई मैं तो, आलू निकालते निकालते हालत ही खराब हो गई। हाँ सही कहो तुमने, अब चलो चलो ये सब लेकर जल्दी से घर चलते हैं, कोई देख ना ले। इस सभी आलू को हमें बगल वाले कमरे में छिपा कर रखना होगा ताकि किसी को पता न चले।
फिर सभी बोरियों को कालू एक एक करके बगल वाले कमरे में डाल देता है। अब कल सुबह क्या होगा जब टूना अपने खेत पर पहुंचेगा? तो वो सब की चिंता मत कर, वो सब मैं संभाल लूंगा। बस अब कल सुबह का इंतजार है। अरे नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया? किसने ऐसा किया मेरे खेत में? मेरे सारे आलू चोरी करके ले गया, अब सब खत्म हो गया। जाता हूँ, अब मैं भी अपना नाटक करता हूँ। क्या हुआ टूना? कालू कौवा, कालू कौवा देखना, किसी ने तेरे और मेरे खेत के सारे आलू चुरा लिए। देखना सारे चुरा लिए। अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे नहीं, ये सब किसने किया? हमारी फसल किसने बर्बाद कर दी? कौन चोरी करके ले गया? कौन जलता है हमसे? ये सब किसने किया होगा? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ कालू, मैं भी वही सोच रहा हूँ। जिसने भी हमारी आलू चुराई है वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, देखना। टूना वो आलू चुरा कर कितना सुखी है तुम्हें क्या पता? कालू कौवा, क्या तुम बाजार जाओगे? मेरा तो अब मन ही नहीं हो रहा। नहीं टूना, अब तो मेरा भी मन नहीं हो रहा। अब कल जाऊंगा दूसरी सब्जी लेकर। ठीक कह रहे हो कालू, चलो अब घर चलते हैं। फिर दूसरे दिन कालू कौवा दूसरी सब्जी की टोकरी लेकर बाजार चला जाता है। कल बाजार नहीं आया था मतलब आलू भी नहीं आए, आज पता चल जाएगा कि आलू की कितनी मांग है। अरे कालू भाई, आलू है क्या? आलू तो नहीं है मिट्टू। पता नहीं, कल से आलू मिल ही नहीं रहे। आलू कहाँ से लाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। टमाटर ले जाइए ना, लाल लाल टमाटर। नहीं भाई, आलू चाहिए आलू। अरे वाह वाह, आलू की मांग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, घर जाकर गौरी को बताना पड़ेगा। कालू कौवा सब्जी की टोकरी लेकर घर की तरफ निकल जाता है। ये क्या, आज सब्जी नहीं बिकी क्या? मैंने सब्जी बेची ही नहीं, मैं तो सिर्फ आलू का भाव जानने गया था। पता है आलू की मांग बहुत बढ़ गई है बाजार में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये टूना आज खेत में फिर से आलू की फसल लगाया है। लगाने दो उसे, मेरे पास जितने आलू है उससे बहुत पैसे मिल जाएंगे। मुझे अब आलू की खेती करने की जरूरत नहीं है, समझी गौरी? अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर एक सप्ताह बाद बाजार जाकर देखूंगा आलू की मांग कितनी है। हाँ अरे कालू जी, उठिए उठिए, आज एक सप्ताह हो गया, उठिए जाइए बाजार और आलू की मांग पता करके आइए। हाँ हाँ, जाता हूँ और देखता हूँ कितना मांग है आलू की। भाई आलू है क्या? आलू नहीं भाई, दूसरी सब्जियाँ हैं। दूसरी सब्जियाँ तो सभी के पास है भाई, पर मेरे को आलू की सब्जी ही चाहिए। कल पास के जंगल से आलू आए तो थे, पर 50 रुपए किलो और आते ही खत्म हो गए। अरे वाह, जैसे सोचा था वैसे ही हो रहा है, आलू की कीमत बढ़ती जा रही है। अरे गोरी, आलू की कीमत 50 रुपए हो गए हैं, 50 रुपए। तो आप कब ले जा रहे हैं आलू? अरे रुको, अभी थोड़ा और कीमत बढ़ने दो आलू की, फिर बेचेंगे। अभी एक दो हफ्ता और जाने दो, फिर बाजार जाकर आलू की मांग पता करके आऊंगा। हाँ आज 4 हफ्ते हो गए आलू आ ही नहीं रहे,
हाँ भाई, आलू खाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया आलू खाए। हाँ, अब तो कितना भी महंगा हो आलू तो खरीदूंगा ही। अरे कालू भैया, अब तो बाजार में दिखते ही नहीं। क्या आपके पास आलू है? अरे अभी तो नहीं है, पर आप लोग बोलोगे तो लाकर दे सकता हूँ, पर बहुत महंगा पड़ेगा। अरे महंगा हुआ तो क्या हुआ, तुम बस ले आओ आलू, बहुत दिन हो गए आलू खाए। ठीक है ठीक है, मेरे पास कुछ आलू है, मैं अभी घर जाकर ले आता हूँ। पर आलू की कीमत 80 रुपए है, 80 रुपए ही लगेगा, न कम न ज्यादा। जो भी कीमत हो ले आना, हम सब यही हैं। गोरी कवि, अब आलू निकालने का समय आ गया। अब सभी 80 रुपए में लेने को तैयार है, अब हम मालामाल हो जाएंगे। देखिए मेरी चालाकी, 80 रुपए में बेचूंगा अब तो आलू। हाँ? अरे अरे, ये सब क्या है, इतने सारे कीड़े, ये कीड़े कहाँ से आ गए? मेरे आलू, मेरे आलू, मेरे आलू कहाँ गए? अरे ये क्या हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, सब खत्म हो गया। अरे ये क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए। कालू कौवा, अरे ओ कालू कौवा, चलो बाजार चलते हैं, मेरे खेत में नए आलू उग गए, उसी को बेचने जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर टूना वहाँ से चला जाता है। मैं इतना लालच नहीं करता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता, अब सारा लाभ टूना को मिलेगा। टूना 80 रुपए में बेचेगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई।